Super happy. Welcome. You know why? Because मैं कल कह रही थी. Girls have done it. और आगाज ही माशाल्लाह जिसका इतना अच्छा हो आगे चलकर भी उम्मीद है कि वो टूर्नामेंट इख्तिताम भी अच्छा होगा. एंड यू नो ऐसी वैसी कोई टीम नहीं, अपने से मजबूत टीम, अपने से बेहतर फॉर्म की टीम. विमेंस क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं और आपको आपको पता है कि विमेंस क्रिकेट टीम जो हमारी पाकिस्तानी है वो गए हुए हैं शारजा इस वक्त. एंड दे आर प्लेइंग, दे प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका यस्टरडे, पहला मैच था. वो एशियन चैंपियंस और वो उस कॉन्फिडेंस के साथ टूर्नामेंट में आए थे. इट्स द वर्ल्ड T20 यानी कि T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, विमेन वर्ल्ड कप हो रहा है और पहला दिन और पहला मैच पाकिस्तान का. पता है ये पाकिस्तान ने बा आसानी उड़ा दिया, एनाइलेट कर दिया. और अच्छी बात यह है कि इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इस चीज से बिकॉज नेक्स्ट मैच जो है वो इंडिया पाकिस्तान का है ऑन संडे. तो इस तरह यू हैड टू वॉच दिस मैच. एक्चुअली इट वॉज अ थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय आर कैप्टन फातिमा सना. इज एन अमेजिंग कैप्टन. एक तो बड़ी वेल जेल टीम भी लग रही है और बहुत मौके थे इसमें जब जहां हम लग रहा था, डर लग रहा था एक्चुअली कि वी माइट नॉट बी एबल टू मेक इट, स्पेशली जब हमारी पहले ही बॉलर आते ही दूसरे बॉल पे ही उनका स्ट्रेन हो गया या कुछ हो गया था. टीम वर्क सामने आया. 116 रन बनाए हमने पहले खेलते हुए. कप्तान जिनकी आप बात कर रही हैं उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली. जारेहाना 20 गेंदों पर 30 रन बनाए, उम्दा कारकर्दगी रही. निदा डार ने एक छक्का भी लगाया और 22 गेंदों पर 23 रन बनाए. जवाब में श्रीलंकन जो बैटर्स हैं वो एक्चुअली पाकिस्तानी लड़कियां बॉलर्स के सामने टिकी नहीं पाए. तो वो वेल जेल होने वाली बात भी इस तरह हो गई कि ये देखिए द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट दिस गर्ल हैज़. मैं कैप्टन की दोबारा से बात करूंगी कि ये उनका पहला समझें कि ये इतना मेगा इवेंट है, वर्ल्ड कप है, इतना बड़ा इम्तिहान है जिसमें पहले मैच में जाके उनकी टीम जो थी इट लुक्ड सो सॉलिड, इट लुक्ड सो गुड. एंड ऑब्वियसली बाकी भी तो खेलने आए हैं तो आप बाकी उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दे डिड सो वेल. अच्छा थोड़ा सा कप्तान की बात कर रही हैं, ये दिस इज फोर्थ मैच एज अ कैप्टन, लाइक लिटरली हर फोर्थ मैच. ऑफ कोर्स लेकिन ये अपने बॉलर्स की जरा बात करें बॉलर्स की जरा आप बताएंगे कि सादिया इकबाल ने 3 विकेटें ली. उमैमा सुहेल और फातिमा सना और निश्रा सिंधु ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, यानी कि 9 विकेटें हमने हासिल की और 85 रन बनाकर बस श्रीलंकन टीम की बस हो गई. अच्छा जी, मेगा इवेंट में पाकिस्तान वेमेंस का दूसरा मैच हमने आपको बता दिया. कहना हम ये चाहते हैं कि जब इतने मेगा इवेंट्स हो रहे हो ना तो ये वो टीम केमिस्ट्री हमें चाहिए होती है, पहला मैच ही जाके आप जीत जाएं ताकि आप एटलीस्ट बाकी टीमें जो आई हुई हैं उनको तो पता चल जाए ना कि इट इज देयर हियर टू प्ले. साल इन्हीं दिनों में अपनी लड़कों की टीम में तलाश कर रहे थे बिकॉज दे वर आल्सो प्लेइंग वर्ल्ड कप. अब उसका क्या जिक्र करना बार बार, एक तो इतना टाइम भी गुजर गया और उसके बाद भी कुछ नहीं किया उन्होंने, आई एम सॉरी. तो लिहाजा लड़कियों का बहुत पॉजिटिव आगाज है, दे शुड बी इनकरेज एंड द मैचेस शुड बी वॉच्ड, तो ये जरूर आप करें. आई एम श्योर संडे वाला तो और ये लड़कियां पता है क्या, एक तो वैसे ही चैंपियन होती हैं. आप सोचिए कि हमारे जैसे माशरे में ये लड़कियां इस लेवल तक पहुंच गई हैं कि ये पाकिस्तानी नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेल रही हैं. मतलब ये कहना भी आसान नहीं है. मतलब और जीत रही हैं, सिर्फ खेलनी नहीं, जीत दे जीत नो दे आर गुड. लुक अराउंड यू, आप देखें अपने इर्द गिर्द, अगर कोई लड़की ये ख्वाहिश जाहिर करे कि उसने क्रिकेटर बनना है, आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग होंगे जो अपनी उस बच्ची का साथ देकर उसे उस मकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे और कितने ऐसे होंगे जो उसको कहेंगे नहीं नहीं ये कोई काम है करने वाला. सो मतलब ये होता है टूर्नामेंट का, दीस गर्ल्स देयर पेरेंट्स देयर कोचेस देयर फैमिलीज और देयर हस्बैंड्स. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जाके क्रिकेट खेलो, नथिंग टू पुट मेन डाउन क्योंकि वो माशाल्लाह खुद ही अपने आप को इतना डाउन कर लेते हैं, लेकिन रिमेंबर द फर्स्ट मैच अगेंस्ट अमेरिका. नहीं करें ना याद यार, सॉरी. आगे चलते नहीं करते, पेनफुल होगी, इसलिए हमारा आगाज तो सुप्रीम था. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी अच्छा चलेगा.